खरगोन भोले शंभू भोलेनाथ के जयकारों के साथ रविवार को 84 शिव दर्शन यात्रा नगर में सुबह 6 बजे कुंदा नदी तट स्थित श्री बड़घाटेश्वर महादेव मंदिर में पूजन अर्चन कर निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। महिलाएं भजन कीर्तन कर चल रही थी, वहीं पुरुष जयकारे लगा रहे थे, जिससे माहौल धर्ममय बना रहा। करीब 12 घंटे चली यात्रा के दौरान लगभग हर शिवालय पर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा स्वागत एवं सेवा मंच लगाकर शिव भक्तों का स्वागत किया गया। यात्रा के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र भावसार लाला नितिन मालवीय ने बताया कि यात्रा प्रेरणा स्रोत पंडित जगदीश ठक्कर ने श्री बड़घाटेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की और ध्वज लेकर यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा विभिन्न मंदिरों में दर्शन करने के बाद रात्रि में भावसार मोहल्ला स्थित श्री सिद्धनाथ महादेव मंदिर में समापन हुआ। यात्रा में महिलाओं के साथ बच्चे भी उत्साह के साथ शामिल हुए। यात्रा में शामिल शिव भक्त रास्ते में ढोल ताशे एवं डीजे पर झूमते रहे। 84 शिव दर्शन यात्रा रविवार को महाराष्ट्र पंडित जगदीश ठक्कर के नेतृत्व में निकाली गई। यात्रा प्रारंभ से पूर्व महाराष्ट्र ठक्कर एवं समिति अध्यक्ष इंजीनियर नितिन मालवीय ने भगवान बड़घाटेश्वर महादेव जी का पूजन अर्चन किया। इसके पश्चात यात्रा प्रारंभ हुई। इस दौरान महिलाओं ने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर बिल्व पत्र एवं पुष्प अर्पित किए। खरगोन में 13वें वर्ष में शिव 84 शिव दर्शन यात्रा निकल रही है। आज पूरा खरगोन भक्तिमय से गूंज रहा है। आज हमें ऐसा लग रहा है कि हम किसी नगर के बंगले में नहीं, अपितु कैलाश मानसरोवर में घूम रहे हैं। जबकि वातावरण भोलेनाथ ने ऐसा बनाया है कि चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और सारे भक्त भोले के रंग में रंगे हुए हैं। हम यही कामना करते हैं भगवान शिव से कि हमारा देश, हमारा नगर, हमारा क्षेत्र भक्तिमय हो, भाईचारा से रहे, फले फूले और सब सुख शांति से रहे। 84 महादेव के दर्शन का उद्देश्य हमारा यही है कि हमारे कलिकाल के में उम्र मनुष्य की बहुत कम होती है और कम समय के अंदर 4 वेद 18 पुराण हम पढ़ नहीं सकते, उनका फल प्राप्त नहीं कर सकते। 4 धाम की यात्रा बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो शिव जी कहते हैं कि पार्वती जो कलिकाल के अंदर एक दिन में 84 लिंगों का दर्शन पैदल करके चल लेगा, उसको 4 धाम यात्रा का पुण्य प्राप्त होगा, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन प्राप्त होगा और 84 लाख योनि में किए हुए पापों का उसका नाश होगा और पुनः मनुष्य जन्म लेकर इस धरा पे आएगा और मेरी भक्ति भाव करेगा। यात्रा पूरा खरगोन शहर शिवमय हो गया है। हमारे प्रेरणा स्रोत जगदीश जी ने आज से 13 वर्ष पहले यात्रा प्रारंभ कर दी। धीरे 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 बढ़ता है, कारवां बहुत बड़ा हो गया है। जिस भी एरिया से जिस भी जगह से निकल रहे हैं वहाँ के शिव भक्त हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। पूरा ऐसा शिवमय वातावरण लग रहा है, लग रहा है कोई पवित्र नगरी में आ गए हैं। सुना नहीं रहा क्या कुछ, क्या काम, क्या उसमें क्या उद्देश्य यात्रा का? यात्रा का उद्देश्य यही है कि सर पूरा दुनिया पूरा खरगोन सुख शांति से रहे और दिनों दिन प्रगति करते रहे और पूरा अध्यात्म के लोग जुड़ता रहे। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट खरगोन। आर की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।